इन सुभाष इंग्लिश स्कूल सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 लेसन 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम कोल और पेट्रोलियम ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन इफर्ट्स। हमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जो कि कुछ तो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कुछ मानव द्वारा बनाए हुए होते हैं। कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हवा पानी और मिट्टी का मनुष्य अपनी दैनिक क्रियाओं के दौरान उसका उपयोग करता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडाइड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज वाटर ए लिमिटेड रिसोर्स। वाटर का जो उपयोग होता है वो या उसके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसका वाटर जो है बहुत सीमित मात्रा में इसके स्रोत उपलब्ध है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड। नेचुरल रिसोर्स जो है वो दो भागों में इनको बांटा गया है। उनमें पहला है जैसे इनएक्जेक्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि जो असीमित मात्रा में प्राकृतिक स्रोत जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल आर सनलाइट और एयर। ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये असीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे कि हवा और सूर्य का प्रकाश, इसको हम कितना भी उपयोग करें लेकिन दूसरे दिन हमें फिर उतनी ही मात्रा में वापस से उपलब्ध हो जाते हैं। सेकंड है एक्जेक्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब सीमित मात्रा में कौन से प्राकृतिक रिसोर्स है। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये जो है इनको बहुत ही लिमिट मात्रा में, मतलब सीमित मात्रा में ये नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, और इनका उपयोग हम मानव अपनी दैनिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। जैसे कि जंगल का जीवन जो है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम या गैस, इन सभी की मात्रा जो है प्रकृति में बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हमको इसका बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। एज्यूम दैट द टेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है वह बहुत ही प्राकृतिक स्रोत जिसका बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंज्यूप्शन पैटर्न। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी। और आज की जो जनरेशन है वो इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं। इफ मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वेयर कंकर्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। और आने वाली जनरेशन भी इसके लिए इसका उपयोग बहुत, मतलब बहुत ही कम मात्रा में उनको मिलेगा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम जो एग्जिस्टेबल सीमित मात्रा में जो नेचुरल प्राकृतिक स्रोत है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इसके बारे में आगे देखेंगे। दिस वेयर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ये क्या है कि जो डेड मरे हुए मृत जीवों के कारण और मृत पेड़ पौधों के या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनके द्वारा इनको तैयार किया जाता है, और उसको फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोल, कोयला। यू मे हैव बीन सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। इसमें आपने कोयले के बारे में सुना होगा। ये एक कठोर और काले रंग की चट्टान से का दिखता है और उससे बनता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोयले का उपयोग हम मुख्य रूप से भोजन पकाने के लिए करते हैं। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। और इसका उपयोग रेल के इंजन में भी भाप बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसका उपयोग थर्मल पावर में
विद्युत उत्पन्न या बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और इसका उपयोग कई प्रकार की फैक्ट्रियों में भी फ्यूल उत्पन्न करने के लिए या फ्यूल के लिए किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की क्या स्टोरी है या वो किस प्रकार से बना है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, करीबन 300 साल पहले जैसे कि जमीन बहुत ही उसके अंदर वेटलैंड एरिया मतलब दलदली भूमि, जंगल जो है दलदली भूमि में बदल गए थे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा लाइक फ्लडिंग जैसे बाढ़। दिस फॉरेस्ट गॉट बुरीड अंडर द सोइल, और इससे क्या हुआ कि सारे जंगल धीरे धीरे सोइल के अंदर धस गए। एस मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, और उसके ऊपर दूसरी मिट्टी जमती गई। दे वेयर कंप्रेस्ड, और वह उसके अंदर दबते गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और इस प्रकार से जब वो जमीन के अंदर चले गए तो वहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो उनका टेम्परेचर बढ़ता ही गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जब ये अंदर पृथ्वी के अंदर चले गए तो वहाँ पर हाई प्रेशर, उच्च दाब और हाई टेम्परेचर की स्थिति में वो डेड प्लांट्स जो है धीरे धीरे कोयले में बदलते गए। एस कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन, और कोल में जो है मुख्य रूप से कार्बन के कंटेंट होते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, और जब ये डेड वेजिटेशन जो है कार्बन में कन्वर्सेशन होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल्स, ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। तो जब ये जो कोयला बनता है इसकी जो प्रक्रिया वेजिटेशन से जो कोयला बनता है और इस कोल को हम फिर फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas. जब कोल को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है। कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल का उपयोग हम इंडस्ट्री के अंदर कोक, कोल टार और कोल गैस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट है कोक। इट इज ए टॉट पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यह एक छिद्र युक्त या काला पदार्थ होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर ऑफ कार्बन, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक का उपयोग जो है स्टील बनाने के लिए किया जाता है और इससे कई प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण भी किया जाता है। कोलतार, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल, यह एक काले रंग का लिक्विड पदार्थ होता है जिसकी की स्मेल अच्छी नहीं होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, यह कम से कम 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है इसके अंदर। प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं कोल तार से उसका उपयोग हम कुछ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उससे वेरियस सब्सटेंस या अलग अलग तरह के सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में और इंडस्ट्री में उपयोग में आते हैं, लाइक सिंथेटिक टाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। मतलब इसका उपयोग जो है ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल या रूफिंग मटेरियल, छत के जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपील मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम कोल तार, और कोल तार से जो है कुछ मॉथ्स का भी निर्माण या इंसेक्ट जो मॉथ्स होते हैं उन इंसेक्ट का भी इससे प्राप्त होते या इसका निर्माण किया जाता है। दिस डे बिटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। रोड्स बनाने के लिए आजकल पेट्रोलियम बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है कोल टार के साथ, कोल टार के लिए कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेंड ड्यूरिंग द प्रोसीड ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल टार से हम कोक, कोल गैस इज ऑब्टेंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोक से जो है
कोल को प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है. इट इज यूज्ड अदर इंफॉर्मेशन है इसमें. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820. कोल गैस का उपयोग जो है स्ट्रीट लाइटों में सबसे पहले लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में करीबन 1820 के दौरान किया गया. नाउ ए डे इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. और आजकल इसका उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है. एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर कोल प्रोसेसिंग के प्लांट भी स्थापित किए गए हैं. 5.2 पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम हमें कहाँ से या कैसे प्राप्त होता है. यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स स्कूटर्स एंड कार्स. आप देखते हैं कि पेट्रोल का उपयोग एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में मोटरसाइकिल्स में कार्स में आदि में. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं या हैवी मोटर व्हीकल्स जो है उन जैसे कि ट्रक ट्रैक्टर इनके अंदर डीजल का उपयोग किया जाता है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोल और डीजल जो है जो प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है उनसे ये प्राप्त होते. द वर्ड पेट्रोलियम इज डेरिव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज मिनेट फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4. तो पेट्रोलियम जो है ये दो शब्द पेट्रा एंड ओलियम से बना हुआ है और जो ये रॉक्स के बीच में चट्टानों के अंदर जमीन के अंदर जो चट्टानें होती है उसके अंदर से ये निकलता है जैसा कि आप 5.4 डायग्राम में देख सकते हैं. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर होते हैं उनसे प्राप्त होता है. एज दी ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. जब समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं वो जब मर के जो समुद्र के अंदर चले जाते हैं उनकी डेड बॉडीज तो धीरे धीरे समुद्र की सतह पर बैठते जाते हैं या जम जाते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर सैंड और क्ले की बहुत सारी लेयर्स हो जाती है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसपोर्ट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जब कई साल तक वहाँ पर हवा की या वायु की अनुपस्थिति मतलब वहाँ पर वायु तो मिलती नहीं उसकी अनुपस्थिति में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. लुक एट द फिगर 5.4. इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये बात बात जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रिसर्वियर रॉक ये चट्टाने हैं और इसके अंदर जो है डेड ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं और उसके ऊपर वाटर पानी रहता है फिर समुद्र के अंदर फिर उसके ऊपर ऑयल धीरे धीरे वो ऑयल में बदल जाते हैं और वहाँ से गैस ये जो वेल्स है कुआ दिखाई देता है फिर इससे जो है इस वेल्स कुएँ से फिर पेट्रोलियम का निष्कासन किया जाता है. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. तो आप देखते हैं जैसा कि इस डायग्राम में दिया है देखा है आपने कि पानी के ऊपर किस प्रकार से पेट्रोल के कंटेंट ऑयल के रूप में जमा हो जाते हैं. वाई इज इट सो. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ. ये इसका कारण ये है कि ये जो ऑयल जो होता है वो पानी से हल्का होता है और उसके अंदर वो मिक्स नहीं हो सकता है इसलिए वो उसके ऊपर तैरने लगता है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA इन 1859. सबसे पहले संसार में जो है तेल का कुआ पेंसिल्वेनिया में USA में 1859 में पाया गया. 8 years लेटर इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकूम इन असम. उसके बाद 1867 में जो है ये ऑयल का कुआ जो है वो मैकुम में असम के अंदर पाया गया. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम गुजरात मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. और इंडिया के अंदर इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम भारत में असम के अंदर गुजरात में मुंबई में
और इनकी एंड इन द रिवर के बेसिन के अंदर जैसे गोदावरी और कृष्णा के अंदर इनके कुएं हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम का किस तरह से रिफाइनिंग किया जाता है उसके बाद ही हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, डायरेक्ट कुएं से निकले हुए पेट्रोल को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडोर, इसकी जो है स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, यानी दुर्गंध निकलती। इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। इनमें जो है बहुत सारे तरह के कॉन्स्टिट्यूट मिले हुए थे, पेट्रोलियम गैस भी रहती है उसमें, पेट्रोल, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स भी इसके अंदर उनका मिक्सचर रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट फ्रैक्शन और पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, इट इज कैरीड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। इन सभी सब्सटेंस को जब हम उनके कॉन्स्टिट्यूट को अलग अलग करते हैं तो उसको हम रिफाइनरी या रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरीड मतलब इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग के नाम से जाना जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज, पेट्रोलियम के जो अलग अलग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट है और उनका क्या उपयोग है। तो पेट्रोल गैस इन लिक्विड फॉर्म फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, जो एलपीजी गैस जो प्राप्त होती है पेट्रोलियम गैस से प्राप्त होती है और उसका उपयोग हम घरों में और इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग मोटरसाइकिल में और एविएशन फ्यूल में और क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, और केरोसिन जो है इसका उपयोग स्टोव में, लैम्प में और जो जेट यान होते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो भारी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर डीजल का उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेशन या जो जिससे कि जनरेटर के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसमें भी डीजल का उपयोग किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन, ये होता है एक तरह का किसी भी पुर्जों को चिकना करने के लिए इस तेल का उपयोग किया जाता है। पैराफिन वैक्स ऑइनमेंट्स कैंडल्स वेसलिन एटीसी, पैराफिन वैक्स जो होता है मोम होता है उसका ऑर्नामेंट्स में, कैंडल्स में और वेसलिन में इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन जो है इसका उपयोग पेंट में किया जाता है और रोड सर्फेसिंग या जो अब डामर जो सड़कों पर जो डामर किया जाता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोरेड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। नेचुरल गैस जो होती है वो फॉसिल फ्यूल के लिए, जीवाश्म ईंधन के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि इसका जो है ट्रांसपोर्ट जो है पाइप के द्वारा, जो इसका ट्रांसपोर्ट पाइप से इसको गैस को आसानी से पास किया जा सकता है और इसको जो स्टोर करना हाई प्रेशर और नेचुरल गैस को मतलब कंप्रेस्ड करके इसको उच्च दाब में इसको हम स्टोर कर सकते हैं कहीं पर। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन और इसका उपयोग जनरेटर के जनरेशन में भी किया जाता है या विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। इसका जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी बहुत अच्छे से आरामी से, मतलब जब भी कोई व्हीकल्स इधर से उधर लाने वाले उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इससे पोल्यूटिंग या प्रदूषण नहीं होता है और इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल और इससे एक साफ ईंधन हमें या साफ सुथरा ईंधन प्राप्त होता है प्रदूषण रहित। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इसका सबसे मुख्य उपयोग मतलब सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि इसको हम डायरेक्ट उपयोग में ला सकते हैं जलाने के लिए घरों में और फैक्ट्रियों में और इसका सप्लाई जो है पाइप के द्वारा आसानी से होता है और इसकी जो पाइपलाइन का है वो गुजरात के अंदर बड़ोदरा में इसके जो है पार्ट्स और दिल्ली में और दूसरे स्थानों पर बनते हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल गैस का उपयोग जो है मटेरियल बनाने में, फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल्स बनाते हैं
और जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के लिए इसका उपयोग होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। भारत में वास्तव में नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा रिजर्व हमारे देश में, भारत में इसका प्राकृतिक गैस का रिजर्व है। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। ये जो है नेचुरल गैस त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पर भी इसका नेचुरल गैस का रिसोर्स है। यू हैव स्टडाइड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्जेक्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स एक्सेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दिस फ्यूल्स। और ये जो है ज़मीन के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म के द्वारा मिलियन या कई सालों में वापस ये तैयार होते हैं। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और इसको हम वापस से प्राप्त करने के लिए हमें इसका कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंकेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जब ये बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स और जब इस फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो इसका मुख्य कारण है एयर पोल्यूशन होता है। और इसको जो है इसके द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली वेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए हमको इसका उपयोग जब भी करना चाहिए जब हमको बहुत ज़्यादा इस ईंधन की आवश्यकता हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका रिजल्ट हमें पर्यावरण के अंदर अधिक अच्छा नहीं मिलेगा। स्मॉलर रिस्क, इसकी कम रिस्क लेना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के में भी इसका उपयोग, इसके द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग या वातावरण का, वायुमंडल का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह फिर हमको बहुत अधिक समय के बाद वापस मिलता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। तो जो है ये PCRA जो है वो आपको ये सलाह देता है सभी व्यक्तियों को कि पेट्रोल और डीजल का जो है ड्राइविंग के दौरान किस प्रकार से हमको इसका सेव करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ हमें टिप्स दिया, सलाह दी है। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो हमको जब कोई भी व्हीकल हम ड्राइव करते हैं तो उसकी जो स्पीड है जितनी संभव हो उसी प्रकार से, जितनी दूरी हो उस हिसाब से हमको रखना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जब आप ट्रैफिक लाइट्स के दौरान या वहाँ पर खड़े रहते हैं तो इंजन को हमें स्विच ऑफ कर दे, इंजन को बंद कर देना चाहिए और फिर उसके बाद ही उसका इंतज़ार करते हो उस समय हमें इंजन का या पेट्रोल को बंद कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और आपके टायर में जो है प्रेशर या हवा इंश्योर यानी जितनी चाहिए उतनी ही रखना चाहिए, ज़्यादा कम हवा में हमें गाड़ियाँ नहीं चलाना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल को समय समय पर उनका मेंटेनेंस करता रहना है।